हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद साक्षी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बाजार जैसी कॉर्न चाट। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ना, ये कितना ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। अब हमने लिया है सबसे पहले एक खाली बोल, उसमें हम लेंगे एक कटोरी मैदा। नेक्स्ट हम इसमें लेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, मैंने लिया, आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। अब मैंने लिया आधी छोटी चम्मच अजवाइन, इसे मैंने हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया था। और मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है और इसको हम थोड़े थोड़े पानी से नॉर्मली, आप जैसे मैदा मारते हो वैसे ही मार लें, ना बहुत हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नॉर्मली इजीली मैंने मार लिया है। अब हम इसे रेस्ट करने रखेंगे 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं अब जो तैयार है। अब हम इसको 4 भागों में, मैंने इसकी पूरी लोइयाँ तोड़ ली हैं इसकी। अब मैंने इसको गोल कर लिया है, एक चक्रे पे मैंने इसको इस तरीके से नॉर्मली, आप जैसे बेलते हो ना वैसे, मैंने इसे ईजिली नॉर्मली बेल लिया है लंबा लंबा। अब हम इसे 2 भागों में काट लिया है मैंने इस तरीके से। एक भाग लूँगी इसका और एक मैंने छोटी सी गिलासिया ली है, मतलब आप छोटा सा ग्लास, आप कॉर्न चाट के लिए आप कॉर्न भी ले सकते हो। मेरे यहाँ पर कॉर्न है ना प्लास्टिक की थी, इसलिए मैं अब वो गैस पे गर्म तो कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा ग्लास ले लिया है। और इसको इस तरीके से हम कॉर्न की शेप दे देंगे एकदम निकू। आप कॉर्न लेंगे तो फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छी बनेगी, मेरी कॉर्न प्लास्टिक की थी इसलिए मैंने ये ली है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉर्न बन के रेडी है। अब हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी एक एक करके कॉर्न ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और हम इसे जैसे नॉर्मली स्लो ग्लास पे सेकते हैं वैसे ही इन्हें सेकेंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है, आप देख सकते हैं। अब ये एक साइड से सेक गया है, अब हम इसे पलट देंगे, आप देख सकते हैं मैंने पलट कितना अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे एक किसी भी चीज़ की मदद से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये निकल नहीं रहा है, देख सकते हैं आप, तो अभी ये अंदर से सिका नहीं है। जब जो अब मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ, अब जो निकल रहा है, इतने इजीली निकल आया है, तो जो अंदर से सिक चुका है इसका मतलब। अब फ्रेंड्स हम इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से, एक एक करके मैंने सेका है। आपके पास अगर 2 हो तो 2-2 एक बार में 2 सेक सकते हैं। मैंने इसी तरीके से सारी कॉर्न रेडी करी है, आप देख सकते हैं। अब हमने लिया है सबसे पहले एक कॉर्न लेंगे मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले मीठी चटनी, इस फ्लेवर वाली बनती है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अब नेक्स्ट टाइम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसी आलू, आप अगर सादा चाहो तो सादा आलू भी ले सकते हो। नेक्स्ट टाइम इसमें ऐड करेंगे मिक्सचर की नमकीन, आपको जो इसमें पसंद ना हो वो आप स्किप कर सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड किए स्पाइसी छोले, आप इसकी जगह सादा छोले भी ले सकते हो। मैंने नेक्स्ट इसमें ऐड किए रमास टोटली ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम इसमें ऐड करेंगे खट्टी चटनी, 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर, इससे अच्छा ही टेस्ट आएगा, फ्लेवर वाला बनेगा। अब मैंने ऐड की इसमें दही पकौड़ी, जो पकौड़ी होती है ना वो मैंने, अब हम उस पर ऐड करेंगे इसमें पकौड़ी, फिर मैंने इस पर पूरे पे दही कवर कर दिया, इसको पूरा फ्लेवर वाला बना दिया है। अब हम इस पर ऐड करेंगे जो बॉयल आलू, इनको मैंने फ्राई वाले नहीं है ये। अब इस पर इस तरीके से हम मीठी चटनी ऐड करेंगे दोबारा से, बारीक वाले सेब ऐड करेंगे। अब हम इसे गार्निश करेंगे, आप देख सकते हैं। अब हम इस पर ऐड करेंगे अनार, अब हम इस पर ऐड करेंगे 2 धनिया पत्ती, लास्ट में हम इसे ऐड करेंगे इस पर अदरक के कुछ स्लाइसेस, मैंने लंबा लंबा बारीक बारीक अदरक किया था उसको। अब हम इसे एक शॉट्स के ग्लासों में सर्व करेंगे। मैंने इसी तरीके से दोनों कॉर्न चाट बना के रेडी करी है। अगर आपको ये मेरी बाजार जैसी कॉर्न चाट की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे चैनल की न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।